हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के ग्रीस दौरे के बाद भारत के लिए रवाना हो गए। राजधानी एंथेस में भारतीयों को मोदी ने संबोधित किया, जहाँ पर उनके काफी फैन फॉलोअर्स भी देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के कमांड सेंटर में चंद्रयान 3 टीम के वैज्ञानिकों से मिले। यहां उन्होंने 3 घोषणाएं की। पहली 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाएगा। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन, विध्यन से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं, 1 पद अब भी खाली है। नेशनल लिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी चीफ शरद पवार ने लगातार दूसरे दिन अपनी बात दोहराते हुए कहा कि एनसीपी में टूट नहीं हुई है। कोल्हापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है, ये सही है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जयंत पाटिल महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। कुछ लोगों ने अलग राह पकड़ी है। सोनिया गांधी आज श्रीनगर में है, वहीं राहुल गांधी भी लद्दाख से श्रीनगर पहुंचे हैं। श्रीनगर में राहुल हाउस बोट और होटल में 2 दिन आराम करने वाले हैं। मां बेटी का 2 दिन का ये दौरा बिल्कुल निजी बताया जा रहा है। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हरियाणा सरकार में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हरासमेंट केस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 8 महीने बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। वहीं चार्जशीट में पुलिस ने मंत्री के खिलाफ सिर्फ छेड़छाड़ की धारा लगाई है। आईआईटी बॉम्बे को एक गुमनाम डोनर ने 160 करोड़ रुपए का दान मिला है। वहीं आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर सुभाषीष चौधरी ने कहा कि भारतीय शिक्षा जगत में ये एक दुर्लभ घटना है कि कोई परोपकारी व्यक्ति गुमनाम रहना चाहता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने असम राइफल और सीआरपीएफ की मदद से बांदीपोरा जिले में एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा है। इसके साथ ही ऑपरेशन में एक महिला के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार किया गया है। वहीं AK-47 के साथ कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देशों में पाकिस्तान का नाम न होने के बाद पड़ोसी मुल्क ने कहा कि उन्होंने कभी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए औपचारिक तौर पर अप्लाई ही नहीं किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत में होने वाली G20 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। क्रेमलिन के स्पोक पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने इसकी पुष्टि की है। पुतिन ने 2019 में आखिरी बार जापान में हुई G20 समिट में इन पर्सन शिरकत की थी। खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।